ठीक है ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई मैं जा रहा हूँ डिम्पी और टुकटुक को लेने। कल से मैंने बताया था ब्लॉग में, डिम्पी और टुकटुक का थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया, 15 मिनट का गैप पड़ रहा है। तो भाई टुकटुक पहले फ्री हो जाएगा और फिर डिम्पी फ्री होगी, तो मैं जा रहा हूँ डिम्पी और टुकटुक को लेने। सामने गाड़ी वाला आ गया भाई, आराम से चलाओ आराम से। टुकटुक आ गया है और हम कर रहे हैं डिम्पी का इंतजार। मौसम तो वैसे यार बाहर ठंडा ही हो रहा है, देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं है। देखो तो भी मुझे गर्मी लग रही है। तो भी कैसे गर्मी लग रही है आपको यार? मौसम तो ठंडा है पर मुझे यहाँ से पूरा पसीना हो रहा है। अच्छा, अंदर से इसको बाहर निकाल दो, खोल दो शर्ट को, बाहर निकाल दो। खड़े हो? इसके अंदर और शर्ट है ही नहीं। खड़े हो ना इसके अंदर? कोई बात नहीं, इसको बाहर निकाल दो, मैं कह तो रहा हूँ खड़े हो। अभी छुट्टी हो गई ना? हाँ बाहर निकाल, हाँ कोई बात नहीं, बाहर निकाल दो इसको, इन शर्ट करके ना अपना इसको बाहर निकाल दो। वेरी गुड, अभी ठीक है? अभी थोड़ी हवा लगी? हाँ यार, अंदर से तो ये गीला हो रहा बच्चा। बोरी मम्मा कहाँ है? वो उस खिड़की में दिख रही थोड़ी थोड़ी, बात करती हुई किसी से। वो डिम्पी है क्या? हाँ। नहीं यार वो डिम्पी नहीं है, कोई और। मैंने उसके हाथ में बड़ा बड़ा टैबलेट देखा हुआ जैसे, बिल्कुल तो डिम्पी होगी। वो टेप नहीं है, वो बुक है। अरे बुक नहीं है, सच में टैब है। बुक है बेटा, वो हाथ में बुक ले रखा, आपको टेप दिख रहा है ऐसा दूर से, बुक है वो हाथ में। डिम्पी नहीं है, वो कोई और टीचर है बेटा। वो ही मम्मा ही है। नहीं है मम्मा है। नहीं है मम्मा ही। नहीं है मम्मा ही। नहीं है, वो मुझे दिख रही है साहब, वो टीचर डिम्पी नहीं है, वो कोई और है। वो गाइस सामने वहाँ विंडो में कोई टीचर दिख रही है, वो देखो वो क्लियर नहीं दिख रही है, उसी के लिए हमारी बहस हो रही है कि डिम्पी है। अभी आना तो डिम्पी को, ठीक है पता चल जाएगा। आ गए डिम्पी। आप इसी कमरे में थे क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये देखो मैं कह रहा था ना, इधर नहीं थी मैं, इधर मैं मॉर्निंग में रहती हूँ। ये जो क्लास है ना, हाँ, इसमें 8:50 से लेके 11 बजे तक मुझे यही रहना होता है। अभी टुकटुक कब से जिद कर रहा है वो सामने को टीचर है वो आप हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैंने कह दिया नहीं डिम्पी नहीं, कोई और टीचर है। तो गाइस डिम्पी और टुकटुक दोनों आ चुके हैं, अब इनको लेके मैं जा रहा हूँ घर। चलो भाई लेट्स गो, इट्स टाइम टू गो। तो हम आ गए घर पर, चलो। फ्रेंड्स हम लोग मार्केट आ चुके हैं, शूज खरीदने थे, स्लीपर खरीदने थे, हम लोग मार्केट आ गए। टुक टुक शूज लेकर आ गया है, अब चलें घर। बात आ रही है, मैं ले लूं? ओके। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। अपन भरवाएंगे पेट्रोल। डिम्पी, टुकटुक और बाबू ये तीनों गए थे मार्केट, कुछ चप्पल वगैरह लेने गए थे, और मैं तो घर पे ही था, काम कर रहा था। तो ये वापस अब घर पे आ चुके हैं, हमारा भाई टुकटुक भी आ चुका है, एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी भर रहा है भाई। ऐसा हो गया, अच्छा हुआ वहीं पी हो गया, तो मार्केट में जाना पड़ता। चप्पल लिया है आपके? गिरा दिया पानी, पानी गिरा दिया टुकटुक ने, एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी भरते हुए टुकटुक ने पानी गिरा दिया। गाइस गाइस के चक्कर में बाइज हो गया, गाइस के चक्कर में बाइज हो गया। मुश्किल से नीचे से भर गया, अब और डरेगा उसको वहां से, पकड़िए ऐसे लगा है शैतान। ढक्कन खुला है इसका, पागल बच्चा, किसने बोला था इसमें गाली करने के लिए? मैं तो कह रही हूँ मेरी आंखें दुख रही, नींद आ रही, कहाँ फैला रहा बेटा बेटा। ये एक बोतल से दूसरी बोतल में भरा था तभी मुझे पता था ये गिराएगा। आपको मना करना चाहिए था, मना करती तो आप बोलते हमेशा इसको टोक देती है, कुछ करने नहीं देती। नहीं मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी ये गिराएगा पानी, पूरी बोतल ही गिरा दी और वही हुआ। ये देखो गाइस पानी पानी गिरा दिया, क्या फायदा हुआ? पोछा लगा दो। पोछा तो लगा दो पर नीचे से भर के लाई ना बेटा इतना सारा पानी। मैं कह रहा हूँ पोछा लगा दो, जो मुझे कह रही बेटा मैं तो नीचे से भर के लाई पानी, पागल कहीं की? कोई बात नहीं ना, आपने वैसे भी आज घर में झाड़ू पोछा नहीं किया, पोछा लग गया पूरे रूम का लगता जब होता है, इतने से लोगों को पोछा होता है। टुकटुक पूरे रूम में ढोल दे बोतल, उधर भी ढोल बेटा, पूरा रूम आज पोछा नहीं लगा, ढोल। हाँ ढोल दे, ये ढोल रहा पूरे रूम में। हाँ गिरा दे पानी, वो कह रही पूरे रूम में लग गया था मैं पोछा, ढोल दे। ये पूरे रूम में गिरा रहा पानी, आप कह रहे हो आप गिरा रहे पूरे रूम में लगाना, बाकी ये पोछा तो लगा देते पूरे रूम में। नहीं, मैंने नहीं लगाना।
लेट जाओ। ये देखो टुक टुक तो लेट गया पीछे ही। गाइस हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। टुक टुक को आइसक्रीम खानी है सॉफ्टी, और बाकी आइसक्रीम है घर वालों के लिए वो लेके आनी है। तो हम तो वहीं खा के आएंगे और बाकी घर वालों के लिए हम लेके आएंगे। तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने और खाने के लिए। तो गाइस हम आ गए आइसक्रीम की शॉप पर, चलो शुरू करो। अच्छी लग रही है। हाँ बैठ जाओ। ये टुक टुक भी आ गया आइसक्रीम के साथ, बैठ जाओ। चलो तो आइसक्रीम खा लेते हैं भाई। आप खा रहे हो? कौन? मैं कौन खा रहा हूँ ना? कौन वाला? एक ही रुपए। कौन सा वाला कौन खा रहे हो आप? बटर स्कॉच। माथा दूर रखना, माथा दूर रख। आगे आगे हाथ धो लो बच्चे, हमारा हैंड पंप पे हाथ धो रहे हैं। तो गाइज हमने आइसक्रीम खा ली और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, लेकिन उससे पहले हमको लेनी है घर वालों के लिए आइसक्रीम। तो घर वालों के लिए जो आइसक्रीम लेनी है हमको, वो यहाँ से नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से हमारे घर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जब तक जाएंगे तब तक आइसक्रीम पिघल जाएगी। इसलिए हमारे घर के पास में जो शॉप है वहाँ से हम लेंगे आइसक्रीम। गाइज डिम्पी और बच्चे गए हैं घर वालों के आइसक्रीम लेने और मैं कर रहा हूँ गाड़ी में वेट। गाइज डिम्पी ने सारी आइसक्रीम ले ली है घर के लिए और अब हम जा रहे वापस। तो गाइज आइसक्रीम खा के तो हम घर पे आ गए और आने के बाद हम आ गए छत पे और डिम्पी भर रही है कूलर में पानी और मैं घूम रहा हूँ छत पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है और टुक टुक हमारा कर रहा है शैतानी हमेशा की तरह, और डिम्पी झगड़ा कर रही है टुक टुक से। झगड़ा नहीं कर रही, डांट लगा रही। हाँ वही झगड़ा, झगड़ा करना तो फाइटिंग होता है। चलो देखो, नहीं दिख रहा कुछ भी टुक टुक को। गाइज दिखना बंद हो गया। क्या हुआ? अरे मजाक ही तो कर रहा हूँ यार, नाराज क्यों हो गए? सॉरी सॉरी बोल दिया मैंने। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं बेटा। सॉरी बोल दिया ना यार, सॉरी बोल दिया, सॉरी बोल दिया। इट्स ओके, इट्स ओके बोलो, इट्स ओके बोलो डेडा को। मैं बोलूंगा आप मम्मी से ऐसे कर दो। मैं तो मजाक कर रहा था यार, आपसे मजाक कर रहा था। मैंने आपने मजाक की तो रोने लग गए। डिम्पी अभी आपको डांट रही थी तो नहीं रो रहे थे, जब डिम्पी डांट रही थी तब रोना चाहिए था, तब तो आप रोए नहीं। जब मैं मजाक कर रहा हूँ तब रोने लग गए। मजाक तो हम रोज ही करते, खेलते तो नहीं करते थे, पानी छिड़कते। अभी आप भी तो छिड़क रहे हैं मेरे ऊपर पानी, फिर मजाक ही नहीं कर रहे, फिर खेले नहीं आपके साथ। ठीक है हमारा नाराज हो गया है और थोड़ा सा मजाक में ये सीरियस हो गया और रोने लग गया है। अभी मैं इसको चुप करा रहा हूँ और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। आइसक्रीम किस किस की लानी है? घर वालों का सबके, वही तो याद करके जाऊँ कितनी लानी है। चार चोकोबार, एक मैंगो डॉली और एक कोन।